हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल दीप्स किचन। आज मैं मसालेदार चने लेकर आई हूँ। चनों को मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था पानी में और फिर इसको मॉर्निंग में मैंने 4 से 5 विसल देके सीटी देके कुकर में उबाल लिया है। चने मेरे हो गए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है प्याज मैंने लिए हैं 2 मीडियम, और साथ ही मैंने यहाँ पर 3 से 4 ली है हरी मिर्ची, और मैंने यहाँ लिया है लहसुन। 7 से 8 कलियाँ जो हैं वो लहसुन की ली हैं मैंने। 1/2 इंच के करीब यहाँ डाली है मैंने अदरक। इन सबको मैं पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे मैंने एक मोटी कढ़ाई ली है, उस कढ़ाई के अंदर मैं डाल रही हूँ तेल। तेल में यहाँ पे मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब, 2 बड़े चम्मच के करीब यहाँ मैंने तेल डाला है। और यहाँ पर अब मैं डालूँगी जो मैंने मसाले अपने बनाए हैं, प्याज का जो मसाला बनाया है मैंने वो मैं डाल दूंगी इसमें। इसको मैं अच्छे से प्याज को तेल में डाल करके मैं यहाँ पे इसको चलाते हुए भून लूँगी। इसे लगातार भूनना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। मसाला जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया है वो नीचे लग जाएगा। इसे लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। तो इस तरह से हम इसे भूनेंगे। और इसका जो है हमें रंग थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ये गोल्डन ब्राउन से हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, तो हमें इतना ही चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं। टमाटर का भी मैं पेस्ट बना लूँगी, टमाटर की प्यूरी बना लूँगी। मसाले में मैंने लिया है नमक, 1 चम्मच के करीब लिया है नमक छोटा, क्योंकि मसाले में मैंने जो नमक है वो मैंने उबालते हुए भी डाला था नमक, तो उस हिसाब से हम नमक लेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक लिया है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी मैंने ली है 1/2 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच। इन सब मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पे मैंने मसाले जो हैं वो काफ़ी अच्छे से भून लिए हैं। अब ये देखिए, अभी तक मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही थी, अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से और मैं रोस्ट कर लूँ भून लूँगी, जिससे कि हमारे सभी मसाले जो हैं वो अच्छे से भून जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से जो मसाले हैं वो भुन रहे हैं। और ये ध्यान रहे कि बस ये मसाले जो हैं नीचे ना लगे, इसलिए हम इसे बीच बीच में चलाते चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो मैंने टमाटो प्यूरी ली है, वो टमाटो प्यूरी मैं इस मसाले के अंदर डाल दूँगी, और इसको भी डाल करके मैं इसको साथ ही में भून लूँगी। यहाँ पर ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है मैंने, बस इतना ही पानी डाला है जिससे कि हमारे मसाले नीचे ना लगे। और यहाँ पर जो है टमाटो प्यूरी भी डाल दी है हमने, तो टोमेटो प्यूरी का बना रही हूँ मैं आज। इस तरह से मैं चलाते हुए मसालों को सभी को भून लूँगी। अब ये देखिए, यहाँ पे आप किनारे छोड़ दिए हैं, अगर तेल देखिए छूट गया है, मसाले छूट गए हैं, तो इसका मतलब हमारे जो मसाले हैं अच्छे से भून गए हैं। यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े करके जो मैंने काले चने बनाए हैं, उबाले हैं, वो मैं डाल दूँगी। एक बार चेक ज़रूर कर लें आपके चने अच्छे से हो गए हैं, तभी आप इसमें डालिए। तो यहाँ पे मेरे चने अच्छे से बॉईल हो गए हैं, तो यहाँ पे मैंने चेक भी कर लिया था। अब जो है थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें चने जो हैं उनको डाल करके साथ में मसाले के भूनूंगी। ये बहुत ही चटपटे मसालेदार चने बना रही हूँ मैं। यहाँ पे चने को जो है अच्छे से हम मसाले के अंदर भूनेंगे, जिससे कि सारे मसाले जो हैं वो चने के अंदर लिपट जाएंगे। अब ये देखिए आप किस तरह से जो मसाले हैं वो चने के अंदर आ गए हैं। इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखेंगे और साथ में बीच बीच में इसे चलाते भी जाएंगे। हमारे चने जो हैं वो ऑलरेडी बन गए हैं, बने हुए हैं। यहाँ पे हमारे चने जो हैं बन करके तैयार हो गए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाली है 1/2 चम्मच के करीब, यहाँ पे मैंने डाला है आमचूर पाउडर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाली है कसूरी मेथी। अगर आपके पास हरा धनिया है तो हरा धनिया ज़रूर डालिएगा, और अगर आप थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत खट्टा नहीं बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर डाला है। आमचूर पाउडर से भी काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो ये देखिए, हमारे जो चने हैं, काले चने हैं मसालेदार, वो बिल्कुल बन करके तैयार हो गए हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हैं हमारे मसालेदार चटपटे काले चने। बहुत ही हेल्दी हैं, खाइए।